नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। हृदय परिवर्तन एक सकारात्मक घटना है, परंतु किसी व्यक्ति, समाज अथवा घटना के वर्तमान का मूल्यांकन अतीत के कृत्यों पर आधारित होता है। कलिंग युद्ध के पश्चात लाखों शवों को देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे बुद्ध के मार्ग पर चल निकले, यह सभी जानते हैं। परंतु बौद्ध धर्म की ही ओर वे कब और कैसे आकृष्ट हुए, किन कारणों से वे धम्म मार्ग पर चलने लगे, इस सब पर अनेक बौद्ध ग्रंथ अनेक रोंगटे खड़े कर देने वाली जानकारियां प्रदान करते हैं। अशोक को उनके विविध समय पर किए गए कार्यों के अनुरूप काम अशोक, चंड अशोक और धम्म अशोक कहकर मूल्यांकित किया गया है। कलिंग युद्ध तो निर्णायक था, परंतु क्या धम्म अशोक तक का मार्ग चंड अशोक ने भयावह क्रूरताओं, नृशंसताओं और अमानवीयताओं के पश्चात तय किया है? क्या लिखते हैं अशोक की क्रूरताओं के संबंध में ह्वेनसांग? कैसे विवेचित करते हैं मानक बौद्ध ग्रंथ? आइए कतिपय संदर्भ देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार सम्राट बनने के पश्चात अशोक सहिष्णु नहीं थे, अपितु वे क्रूर और स्वेच्छाचारी जान पड़ते हैं। बिंदुसार के समय तक अमात्यों के मत का राजकीय निर्णयों में समुचित स्थान था, परंतु बौद्ध संदर्भ बताते हैं कि एक बार किसी राजाज्ञा का उसके अमात्यों ने पालन करने के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया तो अशोक ने सभी के सर अपनी तलवार के वार से अलग कर दिए। दिव्यावदान में ही इसी प्रकार का एक अन्य विवरण भी प्राप्त होता है, जिसके अनुसार अशोक देखने में कुरूप थे। कुरूपता का उनके ही अंतःपुर की स्त्रियां परिहास किया करती। अशोक इस बात से अत्यधिक क्षुब्ध थे, राज प्रासाद की वाटिका में एक अशोक वृक्ष था, नाम साम्यता के कारण सम्राट को यह अत्यधिक प्रिय था। अंतःपुर की स्त्रियों ने किसी कार्य के लिए इस वृक्ष के पत्ते तोड़ दिए। अशोक को इस बात पर इतना क्रोध हुआ कि उसने 500 स्त्रियों को जीवित जलवा दिया। शासक बनने के उपरांत अशोक की ऐसी ही क्रूरताएं और मनमानियां अपने चरम पर थी। दिव्यावदान के अनुसार अमात्यों ने इन अत्याचारों से व्यथित सलाह दी कि अशोक स्वयं इस प्रकार के घृणित पाप कृत्य न करें, अपितु वे इस कार्य के लिए किसी व्यक्ति को वध्य घातक नियुक्त कर दें। अशोक को यह सलाह प्रिय लगी। उसने चंडगिरिक नाम के एक व्यक्ति को वध्य घातक बनाया, साथ ही एक भयावह बंधनागार का निर्माण करवाया जो पीड़ादायी नरक था। इस बंधनागार में मनुष्यों को भांति भांति की यातनाएं देने की वैसी ही व्यवस्था थी जैसी की संकल्पना किसी नरक के अंतर्गत की जाती है। अपराधी तो दंडित किया ही जाता, राजाज्ञा थी कि जो इस बंधनागार के निकट से भी गुजरे उसे यातना देकर मार दिया जाए। ऐसा ही चलता रहा। स्थिति तब बदली जब बाल पंडित नाम के एक भिक्षु को यातना देने का प्रयास किया गया। उसे धधकती हुई भट्टी में डाला गया, परंतु चमत्कार हुआ, भिक्षु एक कमल दल पर बैठा दिखाई दिया जिसके चारों ओर जलती हुई ज्वालाएं उसका कुछ न बिगाड़ सकती थी। कहते हैं यह चमत्कार जान और स्वयं देखकर अशोक इस भिक्षु से प्रभावित हुए। उन्होंने स्वयं द्वारा ही नियुक्त किए गए वध्य घातक चंडगिरिक को ही पहले तो जीवित जलवा दिया, फिर अपना बंधनागार अथवा नर्क नष्ट करवा दिया। कालांतर में वे बौद्ध धर्म की ओर अधिक आकृष्ट और उसमें ही दीक्षित हुए। डरा सहमा देने में सक्षम बिल्कुल यही विवरण प्रसिद्ध बौद्ध विचारक तथा चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपने यात्रा वृतांत में दिया है। ह्वेनसांग ने सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म को स्वीकारने के संबंध में जो उल्लेख किए हैं वे आश्चर्य में डालते हैं। वे लिखते हैं, जैसे ही अशोक को राज सिंहासन प्राप्त हुआ उसका व्यवहार अपनी प्रजा के लिए निर्दयी था। लोगों को अनेक प्रकार के कष्ट देने के लिए उसने एक नरक गृह का निर्माण करवाया था। इस नरक गृह अथवा बंधनागार के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थी जिन पर विशाल बुर्ज बने हुए थे।
इसके भीतर मनुष्यों को पीड़ा देने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन जुटाए गए थे। पिघली हुई गर्म धातु से पूर्ण तीन विशाल भट्टियां बनाई गई थीं, दरातियां रखी गई थीं, यातना देने के लिए वे सभी उपकरण जुटाए गए थे जो नरक में हुआ करते हैं। इस प्रकार का भयावह नरक तैयार कर अशोक ने एक क्रूर व्यक्ति को चुना और उसे इस नरक का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। अब साम्राज्य में जो कोई भी अपराधी होता, चाहे उसका अपराध कुछ भी क्यों न रहा हो, इस नरक में भेज दिया जाता। यहां उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट देकर मार दिया जाता। समय के साथ यह हुआ कि कोई भी नव आगंतुक यदि इस नरक के निकट से होकर गुजरता, उसे भी नरक के प्रहरी पकड़ लिया करते और बंधक को विभिन्न प्रकार के कष्ट देकर मार दिया जाता। अपनी आत्मरक्षा का अथवा वहां तक आने के पीछे अपना पक्ष रखने का अवसर भी उसे प्रदान नहीं किया जाता था। ऐसे समय में एक भिक्षु भूलवश अशोक निर्मित नरक के निकट से गुजरा, उसे भी यातना देने के प्रायोजन से पकड़ लिया गया। इससे पूर्व कि भिक्षु के साथ कोई दुर्व्यवहार होता, एक अन्य मनुष्य को वहां बांध कर लाया गया। क्षण भर में उसके हाथ पैर काट डाले गए, उसे बुरी तरह कुचल दिया गया कि शरीर के सब अंग एक दूसरे से मिल गए। श्रमण ने इस भयंकर दृश्य को देखा तो उसका हृदय दया से भर उठा। जीवन की निस्सारता का अनुभव हुआ तथा उसने इसी क्षण अहर्त पद प्राप्त कर लिया। अब उस भिक्षु को यातना दिए जाने की बारी थी। उसे खोलते हुए कड़ाह में डाला गया, परंतु भिक्षु के लिए मानो शीतल जल में परिवर्तित हो गया। नरक का अध्यक्ष इस चमत्कार से विचलित और प्रभावित हुआ। घटना की सूचना सम्राट अशोक को प्रदान की गई। सम्राट नरक में यह चमत्कार देखकर प्रभावित हुए अहर्त को सम्मान दिया तथा नरक के अध्यक्ष को मृत्यु दंड देकर इस सब कृत्य को सर्वदा के लिए बंद करवा दिया गया। कालांतर में सम्राट अशोक की उपगुप्त नाम के एक अहर्त से भेंट हुई, जिसके माध्यम से वे सम्यक मार्ग की ओर आकृष्ट हुए। कालांतर में बौद्ध धर्म में दीक्षित भी हुए। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृतांत में उस स्थान का भी वर्णन किया है जहां अशोक ने नरक गृह का निर्माण करवाया था। पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि राजा के पुराने प्रासाद के उत्तर में एक प्रस्तर स्तंभ है जो 10 फीट ऊंचा है। उसी स्थान पर है जहां अशोक ने नरक गृह बनवाया था। प्रतीत होता है कि ऐसे नरक गृह केवल पाटलिपुत्र में ही नहीं अपितु अनेक अन्य स्थानों पर भी निर्मित करवाए गए थे। ह्वेनसांग ने अशोक द्वारा बनवाए गए एक अन्य नरक गृह का भी उल्लेख किया है, जिसे उसने उज्जयिनी में बनवाया था। विवरण देते हुए यह चीनी बौद्ध यात्री लिखता है कि नगर के निकट एक स्तूप विद्यमान है। यह उस स्थान पर है जहां राजा अशोक ने एक नरक गृह बनवाया था। महावंशों में वर्णित अशोक के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की जानकारी थोड़ी अलग है। इस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने बड़े भाई सुशीम को मारकर राज सिंहासन प्राप्त किया। उस समय सुशीम की पत्नी गर्भवती थी। सुशीम की पत्नी अशोक के भय से राजप्रासाद से भाग निकलने में सफल हुई तथा पाटलिपुत्र के पूर्वी द्वार से बाहर जाकर एक चांडाल गांव में पहुंची, जहां मुखिया ने उसे अपनी शरण प्रदान की। बालक का जन्म हुआ जिसका नाम निग्रोध रखा गया। सुशीम का यह पुत्र बौद्ध भिक्षु बना। एक दिवस जब निग्रोध पाटलिपुत्र गया, तब उसकी सद्वृत्त से स्वयं सम्राट अशोक प्रभावित हुए बिना न रह सके तथा उसी की प्रेरणा से उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इस विमर्श में मैंने जो भी उद्धरण प्रस्तुत किए वे बौद्ध ग्रंथों से हैं अथवा बौद्ध यात्री द्वारा दस्तावेजीकृत किए गए हैं। स्वाभाविक है कि वर्तमान विवेचनाएं इन्हें अक्षरक्षा स्वीकार नहीं कर सकती, अपितु अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण मानकर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि सिंहासन प्राप्त होने के बाद आरंभ में अशोक क्रूर, निरंकुश तथा साम्राज्यवादी शासक रहे, जिन्होंने स्वेच्छाचारिता के साथ
तब तक शासन चलाया जब तक कि वे बौद्ध धर्म के प्रभाव में नहीं आ गए। इतिहास के नायकों की विवेचनाएं उन पर अतिशयोक्तिपूर्ण लिखे गए विवरणों को उसी स्वरूप में स्वीकार नहीं कर सकती। अब इसी के साथ दूसरा पहलू भी देखें। बौद्ध ग्रंथों में इसी तरह सम्राट पुष्यमित्र शुंग के लिए भी अतिशयोक्तिपूर्ण और विद्वेषपूर्ण वर्णन भरे पड़े। सम्राट अशोक को महान सिद्ध करने के लिए बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित क्रूरता के वृतांत इतिहासकारों ने अविश्वसनीय कहकर परे धकेल दिए। इसके उलट पुष्यमित्र शुंग को खलनायक सिद्ध करने के लिए बौद्ध ग्रंथों की ऐसी ही अतिशयोक्तियों को यही और ऐसा ही हुआ था मान लिया गया। सोचिए तो क्यों? यही विचारधारा के जहर फैलाने का तरीका है। ऐसे ही सामाजिक दरारें पैदा की गई हैं। इतिहास में चढ़ाने उतारने के खेल विचारधाराओं के आधार पर खेले गए। यही कारण है कि निरपेक्षताएं शेष न रही। हमें लाल स्याही से लिखी गई अतीत की कहानी का लाल सलाम कर खुली आंखों से और मन से प्राचीन पन्नों को फिर से पढ़ना समझना होगा। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।